शुक्रिया जनाब स्पीकर। नहीं वो तो मिनिस्टर बात जरूर रिस्पॉन्ड करेगा, वाइंड अप करें जी। जी प्लीज शायद अख्तर जी प्लीज ना वो हो गया जी, बिलावल साहब ने बात की है जी प्लीज प्लीज। जनाब स्पीकर जी 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 है वो सेल्स टैक्स 1990 और जो आपका सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल है इसके पेज 2 से रिलेटेड है, जो कि मैं समझती हूँ वो तमाम चीज़ें जो कि एक आम आदमी इस्तेमाल करता है और वो इफेक्टिव है इस सेल्स टैक्स से, उसके बारे में। जनाब स्पीकर जिस तरह इल्मुल अध्यान के माहिरीन मजाहिब की हसासियत को समझते हैं, जिस तरह इल्मुल अब्दान के माहिरीन मर्ज की हसासियत को समझते हैं, मैं समझती हूँ कि इसी तरह एक अच्छा सियासतदान अवाम के दर्द को समझता है। एक सियासतदान जो कि अवाम के साथ रहता है, उसकी हसासियत, वो हसास होता है उस हवाले से और वो उन्हीं के वोटर से मुंतखब होके इस ईवान में आता है। जनाब स्पीकर आपने ये जो सेल्स टैक्स की अमेंडमेंट यहाँ दी हुई है जिसमें नमक से लेके एक मशीनरी तक, एक प्लांट मशीनरी तक जो कि पावर जनरेशन में भी यूज़ होगी, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड है, जो कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे अगर मैं गिनवाऊँ तो आप मुझे वो टाइम नहीं देंगे जो कि मेरा हक बनता है, और जिस तरह के अवाम पे वो बोझ डाला जा रहा है वो एक एक चीज़ आप हमें गिनवाने का शायद ही वक्त दें। लेकिन इस अमेंडमेंट में अगर आप देखें कि ये जो डेंटल इक्विपमेंट है जो मेडिकल की है, आपके इवन यानी डेंटल चेयर से लेके इमरजेंसी बल्ब जो कि ऑपरेशन के लिए यूज़ होगा उस पर भी आपने सेल्स टैक्स लगा दिया है, आपने शर्ट पे भी टेस्ट लगा दिया है, आपने कंप्यूटर लैपटॉप जो लोकल बनाए जाते हैं मेड होते हैं उस पर भी आपने सेल्स टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा जो कि मशहूर और मारूफ सिलाई मशीन है उस पर भी सेल्स टैक्स लगा दिए हैं, और मैं तो कहूँगी कि वो सिलाई मशीन जो यहाँ पे हमारे गरीब टेलर्स जो होते हैं दिन रात काम करते हैं, काम कर कर के उनकी खूब नज़र निकल आती है लेकिन अरबों नहीं कमाते, लेकिन जब समंदर पार दुबई में किसी की एक मशीन हो तो अरब खरबों उनके पास आ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। जनाब स्पीकर इसमें सेल्स टैक्स, ये जो आपने फाइनेंस अमेंडमेंट बिल दिया हुआ है मिनी बजट के हवाले से, इसमें डिफरेंट 6 क्लॉजेज आपने कस्टम सेल्स टैक्स FED कौन कौन सी चीज़ों पे आपने अमेंडमेंट जिसकी आपने एग्जम्पशन दी थी उसमें आपने इंसर्शन कर दी है, तो मेरा यहाँ पे ये है कि जो आपने 5% अभी लगाया है उसको आप ओमिट कर दें और जो एग्जम्पशन आप वापस ले रहे हैं वो इंसर्ट कर दें, मेरा यही कहना है और आवाम का दुख दर्द जरूर समझें। जस्ट 1 मिनट मेहरबानी सर।